देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बिन मौसम हो रही बारिश इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही है। बारिश के बाद लोगों को बढ़ते तापमान से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में बारिश के कारण सड़क धस जाने के चलते लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के साकेत और खुरेजी में सड़क धंसने से सुबह सुबह लोगों को अपने काम पर जाने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं कई जगहों पर गाड़ियों के लंबे जाम फंसे होने की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल पूर्वी दिल्ली के खुरेजी में इन दिनों CPWD का काम चल रहा है। दो दिनों पहले भी यहां बारिश हुई और बारिश की वजह से सड़क धंसने की घटना सामने आई थी। इसके बावजूद प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। वहीं अब जब एक बार फिर से बारिश के चलते सड़क धंसने की घटना घटी तो इससे प्रशासन पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सड़क धंसी है, जहां पर सड़क के नीचे जमीन एकदम खोखली नजर आ रही है। सड़क सही करने का काम करने वाली एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि गीता कॉलोनी से गांधीनगर और निर्माण विहार लक्ष्मी नगर की तरफ जाने वाले लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। ये सर सुबह 7 बजे से पहले हादसा हुआ है। ये वहाँ पे लाइन फटी हुई थी पानी की, उसके कारण क्या है वो लाइन बंद कर दी उन्होंने। लाइन बंद के कारण जो पानी है उसका पानी का बहाव जो है वो सीधा जमीन के अंदर से आ गया, तो उस कारण 7 बजे से पहले ये रोड धंसना शुरू हो गया। एक इस पे बस जा रही थी छोटी वाली, वो बस बच गई। उसके बाद हमने बैरिकेडिंग कस दी है पूरे। नहीं कोई हादसा नहीं हुआ इस पे, नहीं कोई हादसा नहीं हुआ। उससे पहले पब्लिक ने पूरा बंद कर दिया इस रोड को। पुलिस को कॉल कर दी है, पुलिस यहाँ पे आ गई है और अपना काम भी करा। पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कसे हैं उन्होंने पूरा, और फिर रोड ब्लॉक कर दिया पूरा बंद करने के बाद। अब ये आपके सामने रोड का हादसा आपके सामने ही जो कुछ है। क्या मानते हैं, क्या हादसा, ये PWD की गलती मानते हैं? सर PWD की गलती भी है इसमें, और जो ये लाइन डाल रहे हैं इसमें जो सैकड़ों पाइप डल रहे हैं वहाँ से झील से डलते हुए आ रहे हैं। रोड डेली इसमें एक ना एक पाइप डलता रहता है, तो ये पूरी जमीन यहाँ से खोखली हो चुकी है। तो पटपरगंज रोड तो काफ़ी टाइम से बना भी नहीं है और रोड ना बन रहा है, और इसकी एप्लीकेशन भी लगी हुई है। तो रोड बनने का कारण क्या है, इसमें और खुदाई हो रही है इस रोड पे। सर सरकार इसमें, सरकार तो दोषी है इसके अंदर। जब सरकार के सामने ये रोड पूरा चीज़ ये सामने है, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, सरकार को दिखाई दे रहा है, MLA को दिखाई दे रहा है, यहाँ के पार्षद उनको भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, तो कोई करने को तो राजी नहीं है आपका। सर MLA साहब को कॉल कर दी है लेकिन अभी तक वो मौजूद नहीं है यहाँ पे कोई भी। दिल्ली से पंजाब के CTV के लिए कमल कंसल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।